नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो चूना पत्थर है वह किसका मुख्य घटक है? तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक है। सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, क्वार्ट्ज और फ्लिंट ये सब किस में होता है, सिलिका। कैल्शियम सिलिकेट जो का उपयोग भोजन के पैकिंग में होता है, जो कैल्शियम सिलिकेट है इसका उपयोग भोजन के पैकिंग में होता है। और जो सोडियम क्लोराइड है इसका उपयोग शरीर में अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसके लिए सोडियम क्लोराइड का घोल लिया जाता है। तो चूना पत्थर में क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिदर्शों में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन में, इसमें जो परमाणु की संख्या होती है सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वह उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन से सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाता है तो इसी अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होते हैं और बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होती है। और इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उच्च परिमाण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो OH है ये अल्कोहल का समूह का ग्रुप का है। नेक्स्ट है, हीरे में चार कार्बन एक दूसरे से अनुबंध रहते हैं। जो हीरा होता है उसमें चार कार्बन एक दूसरे से किस बंध के द्वारा होते हैं, तो टेट्राहेड्रॉल होता है। हीरे में चार कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रॉल स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं। और जो फ्लोरीन का आकार होता है, फ्लोरीन गोल आकार का होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है उसका रासायनिक बंधन यह चार संयोजी इलेक्ट्रॉन परतदार होता है। और जो ग्रेफाइट की संरचना होती है, शेप होती है, वो षटफलकीय होती है। तो यहाँ पर आपसे हीरे का पूछा है, तो हीरे का क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। नेक्स्ट है, कार्बन का कौन सा अपर रूप एक ठोस दृढ़ त्रिआयामी संरचना में होता है? तो त्रिआयामी संरचना में कौन होता है, आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड कार्बन का वह अपरूप है जो ठोस दृढ़ त्रिआयामी संरचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस की प्रमुख संघटक कौन से हैं? जो द्रवित लिक्विड पेट्रोलियम है इसमें कौन कौन सी चीजें होती है? तो आंसर हो जाएगा, इसमें होता है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन होता है। यहाँ पर न्यूटेन लिखा है, ये होगा ब्यूटेन। तो इसमें मीथेन, ब्यूटेन और हेक्सेन हाइड्रोकार्बन का क्या होते हैं, संगठन होते हैं। और जो एलपीजी रहता है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, जबकि जो द्रवित पेट्रोलियम होता है उसमें ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है, किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और सल्फर के जलने से, ये जो सल्फर है इसके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं तो इससे मैग्नीशियम परऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और इसी तरीके से हीरे से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, चांदी। चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। और इसमें जो सिल्वर का, चांदी का कलर क्या हो जाता है, काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग में किया जाता है। यह कैल्शियम कार्बाइड के जल से अभिक्रिया द्वारा बाहर निकलता है।
और जो मीथेन गैस होता है, मीथेन गैस का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं और इथेन गैस का प्रयोग भी हम ईंधन के रूप में ही करते हैं। तो यहाँ से एसिटिलीन जो है उस गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैसें भरी जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है और जो आर्गन गैस होती है इसको बल्ब में भरा जाता है। और ऑक्सीजन गैस का क्या काम आता है? ऑक्सीजन गैस जलने में, श्वसन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाता है। हाइड्रोजन गैस को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वह किसके कारण होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फुल फॉर्मूला होता है CaHCO3। और इसके अलावा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण भी जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता आता है। और जल को उबालकर एवं जल में चूना जल मिलाकर इसकी पानी की अस्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो पानी में अस्थायी कठोरता है इसको किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो पानी को उबालकर या फिर उसमें चूना डालकर हम इसको शुद्ध कर सकते हैं, इसकी अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। और वहीं पे अगर बात आती है स्थायी कठोरता की, तो जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण जो कठोरता आती है उसे हम स्थायी कठोरता कहते हैं और इसे आसवन विधि के द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त में ला जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम परमैंगनेट। जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट रसायन प्रयुक्त होता है। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में हम, ये पोटेशियम सल्फेट है इसका उपयोग हम उर्वरक के रूप में करते हैं। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका उपयोग हम पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका उपयोग दवा में, कल कारखानों आदि में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? तो मैंने बताया था कि पानी की जो अस्थायी कठोरता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण आता है। और इसकी अस्थायी कठोरता को हमें दूर करना है तो इसमें हम चूना मिला दे सकते हैं और पानी को उबाल सकते हैं। इस दोनों ही की विधि के द्वारा इसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो चूना के लिए हम लोग आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक तत्व HCl3H2O5 और Ca3H2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है लेकिन HCl5 नहीं बनाता, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। वह तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। सॉरी, करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा। मैंने नाइट्रोजन कह दिया था, वो नहीं होगा, एल्यूमिनियम याद रखेंगे इसके लिए। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 13 और ये 13 ग्रुप में का एलिमेंट है और ये पी ब्लॉक के अंदर आता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? आंसर हो जाएगा एसिटिली। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इस पर हम वाटर डालें तो क्या बनेगा? एसिटिली बनेगा। नेक्स्ट है, जल की कठोरता किसके कारण आती है? तो जल की कठोरता किसके कारण आती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता आती है और उसके क्लोराइड्स के कारण जल की स्थायी कठोरता आती है। तो हम ऑप्शन से कॉमन सेंस लगा के करेंगे क्योंकि अभी मेंशन नहीं किया है कि स्थायी है या अस्थायी है। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट उपस्थित है जो कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है, तो हम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट है, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? तो जो अस्थायी कठोरता होती है इसको हम उबाल कर ही इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं।
अस्थायी कठोरता को यदि उबाल कर कर सकते हैं और साथ में इसमें चूना मिलाकर भी इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर जल में स्थायी कठोरता है तो इसको उबाल कर इसकी कठोरता हम दूर नहीं कर सकते, इसके लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यूरिया है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन उर्वरक है। यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक है और इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वह होता है NH2CONH2। और यह सर्वप्रथम संश्लेषित उर्वरक है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। किसके द्वारा? होलर के द्वारा निर्मित किया गया था। पोटेशियम साइनेट का अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया से प्रयोगशाला में इसको बनाया गया था। और इसमें जो यूरिया है, इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46% पाया जाता है। और बीज बोते समय नाइट्रेट उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट एक उजला हुआ चूना होता है जो जल में घुलनशील होता है, और कैल्शियम क्लोराइड यह भी जल में घुलनशील होता है, सोडियम सल्फेट यह भी एक चूना है जो भी जल में घुलनशील होता है। तो बेरियम कार्बोनेट हमारे जल में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट है हीरा। डायमंड है। डायमंड क्या है? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। हीरा जो होता है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। और हीरे की जो संरचना होती है वह कैसी होती है? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय होती है। इसमें sp3 संकरण पाया जाता है और इसका जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 के आसपास होता है। और इसमें जो क्रांतिक कोण का मान होता है वह होता है 24 डिग्री। यही कारण है कि अच्छे तरीके से तराशा गया हीरा बहुत अधिक चमकीला होता है। और रंगहीन हीरा का उपयोग हम किस में करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं। जो रंगहीन होता है उसका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। और काले हीरे को बोल्ट कहते हैं और इसका उपयोग कांच को काटने में होता है। जो काला हीरा रहता है इसको हम बोल्ट कहते हैं जिसका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है? तो लिखने वाली जो पेंसिल होती है इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। जो हम लिखने वाली पेंसिल यूज करते हैं उसमें क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। सोडियम का उपयोग खाने के नमक में, बर्फीली सड़क से बर्फ हटाने में, कपड़ा धोने को वॉशिंग सोडा में, इन सब में किया जाता है। और जो गंधक है इसका उपयोग किया जाता है रबर की में कठोरता लाने में किया जाता है। और जो टीन है इसका उपयोग बर्तन बनाने में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण हैं किसके? तो हीरा और ग्रेफाइट हैं अपर रूप के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है किसके प्रयोग से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जियोलाइट के प्रयोग से। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जलने से अधिक वायु प्रदूषण होता है? आंसर है कोयला। कोयला को जलाने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। कोयला ठोस ईंधन है जिसे जलाने पर सर्वाधिक प्रदूषण होता है। कोयला सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें होता है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप यानी कि लिक्विड अवस्था में रहता है। जो हम घरेलू खाना पकाने में गैस यूज करते हैं उसमें द्रवित पेट्रोलियम गैस रहता है और उसमें क्या रहता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन रहता है। नेक्स्ट है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है क्वार्ज। इसका फॉर्मूला होता है SiO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? यह एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया का। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या पड़ जाता है? हल्का होते जाता है और जो लोहे की कील होती है उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है। और ये जो एग्जाम्पल है यह है विस्थापन अभिक्रिया का। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो जो नेचुरल गैस है प्राकृतिक गैस, इसका मुख्य अवयव है मीथेन और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और ये प्राकृतिक गैस में 85% पाए जाते हैं मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है? तो आंसर है, जल में अगर सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाए तो जल की जो स्थायी कठोरता है उसको हम दूर कर सकते हैं। और जो चूना पोटेशियम परमैंगनेट आदि ये सब क्या होते हैं? अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो आंसर है कोयले की खान। कोयले की खान पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन द्वारा श्रृंखला बनाने की जो गुड़ होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कैटिनेशन पावर। तो कार्बन के द्वारा श्रृंखला बनाने के गुण को कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन परमाणु में यह गुण पाया जाता है कि वह अन्य कार्बन परमाणु के साथ एकल बंध द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए लंबी श्रृंखला या बंध श्रृंखला एवं शाखित श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इसी गुण को कहा जाता है कैटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के निम्न अपर रूपों में से किसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरे। कार्बन का एक अपर रूप है हीरा और इसका उपयोग छिद्र करने या काटने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन। कार्बन कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहने वाला एक तत्व है और नाइट्रोजन का उपयोग हम किस में करते हैं? पेड़ पौधों में करते हैं। ये पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जबकि फास्फोरस है, इसका उपयोग माचिस एवं विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है, जिसमें सफ़ेद जो फास्फोरस होता है वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण इसको ठंडे पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है और प्रोटीन जो बनते हैं वो एमिनो एसिड से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था से विद्यमान है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन। कार्बन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था से ही विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी C6H10O5। ये किसका फॉर्मूला है? स्टार्च का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड को अगर पानी के साथ प्रतिक्रिया किया जाता है तो वह एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उसमें कौन सा समूह होता है? उसमें होता है COOH। ये है, ये एल्कोहल का है, ये कीटोन का है और ये है एल्डिहाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोडियम सक्सिनेट के विद्युत अपघटन से निम्न प्राप्त होता है। तो सोडियम एक्सिनेट के विद्युत अपघटन से कौन सी चीजें प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की बढ़ते हुए इस्तेमाल वैश्विक उष्माकरण के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक उष्मायन के लिए अवश्य उत्तरदायी होता है। ये क्या करता है? इन्वायरमेंट को गर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में ये क्या दर्शाता है? अम्लीय गुणधर्म को। नेक्स्ट है, पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी है? तो जो हमारी पेयजल होती है उसमें कठोरता की जो अधिकतम सांद्रता है वह होती है 200। और जल की जो कठोरता का कारण होता है, जो अस्थायी कठोरता होता है, वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और जबकि जो स्थायी कठोरता है वह कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक कौन सा है? आंसर हो जाएगा, जैव उर्वरक है एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम क्या है? एक जैव उर्वरक है यूरिया। और यूरिया जो है ये पहला कृत्रिम संश्लेषित उपग्रह है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? तो आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम स्नेहक के रूप में उपयोग करते हैं। यह एक ठोस प्रकार का स्नेहक होता है और ग्रेफाइट सर्वोत्तम स्नेहक है क्योंकि यह अर्ध ठोस होता है और इसकी जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फलकीय और ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। जल में कठोरता जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही आता है। नेक्स्ट है, घरों की रसोइयां और स्नानगारों से द्रव अपशिष्टों को कहते हैं मलिन जल। घरों की रसोइयां और स्नानघरों से जो द्रव अपशिष्ट निकलते हैं उन्हें कहा जाता है मलिन जल। ये ठोस अपशिष्टों को कचरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भौतिक गुणधर्म वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपररूप। विभिन्न भौतिक गुणधर्म वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं अपररूप। परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार अलग अलग हो तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपररूप है, इसके कितने परमाणु होते हैं? तो फ्लोरीन के कितने परमाणु होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? तो जो खदानों में विस्फोट होते रहते हैं वह अक्सर किसके मिश्रण के कारण होता है? मीथेन का वायु के साथ मिश्रण होता है जिसके कारण विस्फोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीनेशन क्या है? तो क्लोरीनेशन एक तरीके की है, एक संदूषित जल में क्लोराइड्स की थोड़ी मात्रा का मिलना क्या कहलाता है? क्लोरीनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे खराब वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये अम्ल वर्षा कराने में उत्तरदायी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह तापमान में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पायलोग्लोबस प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर है कैडमियम। कैडमियम जल प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पायलोग्लोबस प्रयुक्त किया जाता है। और ये जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक एक उपधातु होता है, इसमें अधातु के गुण कम एवं धात्विक गुण ज्यादा होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4½H2O। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका फॉर्मूला होता है POP का। कैल्शियम सल्फेट को अगर 120 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक होते हैं? तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है, विकृतिकृत अल्कोहल होते हैं। तो विकृतिकृत अल्कोहल क्या होते हैं? पीने के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या होता है? विषैले पदार्थ होता है। जो विकृतिकृत अल्कोहल होता है यह पीने के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें विषैला पदार्थ मिला हुआ होता है। इथाइल अल्कोहल में जब पाइरीडीन मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है तब यह क्या हो जाता है? विकृतिकृत हो जाता है, जिसका उपयोग पीने में नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जहरीले या विषैले पदार्थ मौजूद रहते हैं। 100% इथाइल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेंसिल का लेड होता है किसका? तो पेंसिल की जो लेड बनी हुई होती है वह ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का ही एक अपर रूप है और इसकी संरचना षटफलकीय होती है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? तो यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित करके बनाया गया था और इसकी फार्मूला होता है NH2CONH2, और इसमें जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वह लगभग 46% पाई जाती है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन या ठंडा उत्पन्न किया जाता है वह किसके द्वारा होता है? एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से रेफ्रिजरेटर ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम जो है वह है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंग सोडा। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट को सामान्य रूप से क्या नाम जाना जाता है? वॉशिंग सोडा या सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह है Na2CO3। इसमें पानी के 10 अणु उपस्थित रहते हैं, तो ये कहलाता है वॉशिंग सोडा। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? तो ऑक्टेन संख्या, इसमें जो डीजल की शुद्धता है इसको मापने के लिए सीटेन संख्या का उपयोग में लाया जाता है, और ऑक्टेन संख्या का उपयोग पेट्रोल की शुद्धता को मापने में लाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? एन हेप्टेन होता है। इसका मान जो है वह न्यूनतम होना चाहिए। ऑक्टेन संख्या से किसको मापते हैं? पेट्रोल की शुद्धता को, और जिसके लिए एन हेप्टेन का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का स्थानांतरण है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अपसुघटित और संसुघटित। तो ये जल स्थानांतरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील पदार्थ कौन सी है? तो इनमें से सबसे क्रियाशील पदार्थ है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड को जब जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तभी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, और यह सबसे क्रियाशील पदार्थ होता है। एसिटिलीन का अणु सूत्र होता है C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? तो जल के द्वारा रासायनिक कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को हम कहते हैं जल अपघटन। और हाइड्रोजनीकरण किसे कहा जाता है? जब किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है तथा उसमें हाइड्रोजन भाग लेता है तो हम उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क विरंजक किसके द्वारा किया जाता है? तो शुष्क विरंजक हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्लोरीन को जब एथिलीन के साथ मिलाया जाता है तब एथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है, और यह एक रंगहीन द्रव है। इसमें क्लोरोफॉर्म के जैसे ही गंध आती है, और इसका उपयोग पीवीसी के निर्माण में, दीवार को परतदार बनाने में, घरेलू तथा ऑटोमोबाइल्स उद्योग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो ये हेमेटाइट कार्बन का एक रूप नहीं है, यह आयरन का एक और है। नेक्स्ट है, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, और उस डेट है 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कौन सा तत्व कॉमन होता है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH4, और प्राकृतिक गैस जो होती है, नेचुरल गैस, उसमें मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 85% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इथेनॉल को किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें कार्बन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो गंध के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर यौगिक मिलाया जाता है, और इसका पर्टिकुलर नाम है मरकेप्टॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है? तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको कि शॉर्ट में एलपीजी कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग में लाया जाता है, और इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से भरी हुई होती है। नेक्स्ट है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से अगर हाइड्रोजन को अलग करना है तो इस प्रक्रिया को हम विद्युत विघटन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, C12H22O11 के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह फॉर्मूला होता है शुगर चीनी का। नेक्स्ट है, C6H6 क्या है? तो यह एक बेंजीन का फॉर्मूला होता है। इसमें बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? तो मार्स गैस के प्रमुख घटक हैं मीथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4। प्राकृतिक गैस में लगभग 85% तक मीथेन गैस पाई जाती है, और उसमें 95% हाइड्रोकार्बन मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हीनिंग ब्रॉन द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। फास्फोरस पहला तत्व है जिसकी खोज हीनिंग ब्रॉड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है।